हाय, मैं हूं संदीप सिंह। जीएसटी में कल रात को बहुत सारी नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई। टोटल 9 नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई हैं, जिसमें कोविड के चलते आपको कुछ रिलीफ दिया गया है कंप्लायंसेस में। लेकिन इन 9 नोटिफिकेशंस को अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए कि एग्जैक्टली हमें क्या रिलीफ मिल रहा है और क्या रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर अप्लाई होती है, हमें आने वाले मंथ्स में किस तरीके से अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज करी जाती है, आमतौर पे सीबीआईसी की साइट पर आप इन नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशंस यहाँ पर अपडेट नहीं हुई हैं। तो ये नोटिफिकेशंस कहाँ पर रिलीज करी गई? कोई भी नोटिफिकेशन अगर रिलीज करी जाती है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है egazette.nic.in, यहाँ पर आप हर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है। ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर ली है, तो ये सारी नोटिफिकेशंस की समरी मैंने आपके लिए बना दी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि नोटिफिकेशंस के अंदर क्या क्या दे रखा है, और चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। तो नोटिफिकेशन नंबर 9 रिलीज करी गई सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जिसमें कहा गया कि लेट फीस को माफ़ किया जा रहा है। तो ये लेट फीस किस किस के लिए माफ़ होगी, कब तक माफ़ होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होगी, उसको समझते हैं। ये कहा गया ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले हैं, यानी कि ये टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। आमतौर पे इनके लिए ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की 20th तारीख इनके लिए ड्यू डेट होती है। मैं GSTR 3B की बात कर रहा हूँ। तो मार्च और अप्रैल की 3B के लिए ये कहा गया कि ऐसे टैक्सपेयर्स 15 दिन बाद भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि 15 डेज के लिए इनकी लेट फीस को वेव कर दिया गया। तो अगर हम बात करें मार्च की जो ड्यू डेट थी GSTR 3B की मंथली टैक्स फाइलिंग की, वो थी 20th अप्रैल, तो 15 दिन का यहाँ पर इनको बेनिफिट दिया गया है कि 15 दिन के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ड्यू डेट इनके लिए मार्च के लिए क्या हो जाएगी? 5th ऑफ मे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ लेट फीस को माफ़ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए भी एक अलग नोटिफिकेशन रिलीज करी गई, नोटिफिकेशन नंबर 8, उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये कहा गया कि अगर 15 दिन बाद तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फी अप्लाई नहीं होगी, उसके बाद अप्लाई होगी। ये सिर्फ मार्च और अप्रैल की GSTR 3B के लिए कह रखा है। और ऐसे टैक्सपेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन वो भी मंथली फाइलिंग करते हैं, यानी कि QRMP स्कीम के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप QRMP स्कीम के अंदर हैं या नहीं है। उसे कैसे चेक कर सकते हैं? अपनी GST पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हैं, सर्विसेज में जा सकते हैं, रिटर्न्स में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, और वहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में या फिर इन मंथ्स में आपकी जो फाइलिंग का स्टेटस है वो मंथली है या क्वार्टरली है। तो इनके लिए कहा गया कि ये 30 दिन तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके की लेट फीस अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर 30 डेज का इनको बेनिफिट दिया गया। वही ऐसे लोग जो QRMP के अंदर आते थे, तो जिनके लिए ड्यू डेट जनवरी फरवरी मार्च इस क्वार्टर के लिए जो ड्यू डेट थी वो 24th अप्रैल थी, तो उनके लिए ये डेट एक्सटेंड कर दी गई 30 दिन के लिए। तो 30 दिन बाद तक भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा, इंटरेस्ट उनके ऊपर अप्लाई होगा। जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज करी गई ये 9 है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज करी गई नोटिफिकेशन नंबर 8। इस नोटिफिकेशन नंबर 8 में ये कहा गया ऐसे टैक्स पेयर जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो 15 दिन बाद तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो ड्यू डेट मतलब क्या, जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी, यानी कि मार्च की ड्यू डेट क्या थी, 20th अप्रैल थी, तो वो बिना लेट फी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं 5 मई तक। लेकिन इस पीरियड में अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगी लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का नॉर्मली जो रेट हुआ करता था वो होता था 18% पर एनम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा 18 का आधा हो जाएगा, 9% पर एनम, यानी कि 0.75% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा।
लेकिन ये इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, तो इंटरेस्ट जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट है वो एडजस्ट करने के बाद, जो अमाउंट आपके लिए पेएबल होती है सिर्फ उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 9% पर एनम के हिसाब से होगा। तो अगर हम एक महीने की बात करें, डेट विल बी अ 0.75% इंटरेस्ट। और 15 दिन के बाद अगर आप फाइल करते हो तो लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी और इंटरेस्ट भी 18% लगेगा। वही ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन वो मंथली फाइलिंग करते हैं, तो उनके केस में ये कहा गया कि भाई पहले 15 दिन तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और पहले 15 दिन में कोई लेट फीस भी नहीं लगेगी। फिर अगले जो 15 दिन है, क्योंकि इनको 30 दिन का टाइम दिया गया है बिना लेट फी के फाइल करने के लिए, तो पहले 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन के लिए तो फिर यहाँ पर 9% इंटरेस्ट लगेगा और लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद अगर ये रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर लेट फीस भी पूरी लगेगी और इंटरेस्ट 18% अप्लाई होगा। फिर इसके बाद ये कहा गया ऐसे टैक्स पेयर जो QRMP के अंदर आते हैं, तो क्वार्टरली रिटर्न लेकिन मंथली टैक्स पेमेंट वाली स्कीम के अंदर आते हैं। अब क्योंकि ये जो लोग हैं ये टैक्स का पेमेंट तो मंथली करते हैं लेकिन रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, तो मार्च का जो ये टैक्स पे करेंगे, तो अगर ये मार्च का टैक्स 15 दिन लेट फाइल करते हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरीके की इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो मार्च का टैक्स पेमेंट के लिए ड्यू डेट क्या है, 24th अप्रैल। तो 24th अप्रैल से 15 दिन बाद भी अगर ये फाइल करते हैं तो इनको तो 30 डेज का वैसे ही छूट मिल गई है, तो ना 15 दिन बाद अगर करते हैं तो 15 दिन तक ना लेट फी अप्लाई होगी ना इंटरेस्ट अप्लाई होगा, और अगले 15 दिन के बाद करते हैं अगर ये, तो रिटर्न फाइलिंग के लिए इनको लेट फीस की छूट दे रखी है, लेकिन जो ये मंथली टैक्स पेमेंट अगर ये अगले 15 दिन और नहीं पे करते हैं तो उस केस में 9% इंटरेस्ट अप्लाई होगा, और उसके बाद भी अगर टोटल 30 दिन हो गए उसके बाद भी अगर ये पे नहीं करते तो उस केस में फिर ये जो अमाउंट होगी इंटरेस्ट की 18% के हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। ये अप्रैल मंथ के लिए भी अप्लाई होता है, तो अप्रैल के लिए नॉर्मली क्या ड्यू डेट होती है QRMP वालों के लिए, 25th मई। तो 25th मई से अगले 15 दिन तक ही अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो 25th मई से अगले 15 दिन के तक ये रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस केस में इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा, और उसके अगले 15 दिन करते हैं तो इंटरेस्ट का रेट आधा हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, तो कंपोजिशन स्कीम के लिए जो लेट में वो इंटरेस्ट पे करते, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम है जो अपना फॉर्म है CMP 08 फाइल करते हैं, तो उस केस में 15 दिन तक, तो जनवरी फरवरी मार्च, इसके लिए ड्यू डेट क्या थी, 18th अप्रैल थी। 18th अप्रैल से 15 दिन कैलकुलेट कर लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके भी 15 दिन बाद अगर ये फाइल करते हैं तो 9% लगेगा। अब इसी में एक नोटिफिकेशन नंबर 10 भी रिलीज करी गई थी जिसमें ये कहा गया कि भी कंपोजिशन स्कीम वालों को GSTR 4 फाइल करनी पड़ती है, इनको फाइल करनी पड़ती है GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 30th अप्रैल थी, लेकिन अब ये 30th अप्रैल की बजाय ये ड्यू डेट हो जाएगी 31st मई, यानी कि 31 मई तक ये अपनी GSTR 4 फाइल कर सकते हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मिल रहा है एक्चुअल में वो है ITC अवेलमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन था, क्या रेस्ट्रिक्शन था, एज पर रूल 36 सब रूल 4, क्या रूल था कि भाई जितने भी इन्वॉइसिस आपके GSTR 2B के अंदर आ रहे हैं, कौन सी रिटर्न्स के अंदर, 2B के अंदर, नॉट इन 2A, जितने भी इन्वॉइसिस या जितना भी ITC आपका GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करता है आप उतना क्लेम कर सकते हो और मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्लेम आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम आती थी टैक्स पेयर्स को, लेकिन ये कहा गया कि अप्रैल और मई मंथ के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो जितने भी इन्वॉइसेस हैं फिर आपको 2B चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे के सारे इन्वॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल मंथ्स में। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है
कि जब आप मई की रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे आपने अप्रैल में तो फाइल कर लिया, अप्रैल में तो आपने बिना 2B के हिसाब से क्लेम कर लिया, लेकिन मई मंथ में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इनवॉइसेस जो आपने क्लेम किए हैं वो आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, या तो अप्रैल में रिफ्लेक्ट हो या मई में रिफ्लेक्ट हो। अगर मई में भी रिफ्लेक्ट नहीं होते तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने इसका वॉयलेशन किया, और उतना ITC आपका डिसअलाउ हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा ITC अवेल करने के लिए आपको 24% इंटरेस्ट पर NM के हिसाब से भी पे करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि अप्रैल में आप ITC जितना मर्जी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि आप अपने वेंडर को बोलें कि वो अपनी रिटर्न्स टाइम पर फाइल करें। अब हम रिटर्न्स की बात आ रही है तो सप्लायर को कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो GSTR1 करता है। तो अप्रैल की GSTR1 कब तक फाइल कर सकता है? तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी मंथली GSTR1 फाइल होती है तो उनको कहा गया कि वो 26 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 11 मई से ये ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 26 मई तक। तो 26 मई तक आप अगर अपनी GSTR1 फाइल कर देते हैं तो आपके रिसिपियंट के GSTR2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ऐसे लोग जो QRMP के अंदर है, कौन से क्वार्टर में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, यानी कि अप्रैल मई और जून में जो QRMP के अंदर आते हैं, वो GSTR1 तो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, लेकिन उन्हें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपने इनवॉइसेस को अपलोड करना पड़ता है। तो वो 28 मई तक IFF के थ्रू GSTR1 में उन इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं, और अगर 28 मई तक वो अपलोड कर देते हैं तो जो रिसिपियंट होगा उसकी GSTR2B के अंदर वो अप्रैल मंथ में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है अपनी GSTR1 फाइल करते हुए। फिर एक नोटिफिकेशन नंबर 11 रिलीज करेगी जिसमें ITC 04 कब फाइल करते हैं, जब हम प्रिंसिपल हैं, हम अपना कोई सामान जॉब वर्कर को दे रहे हैं ताकि वो उस पर जॉब वर्क का काम कर सके, तो जब हम उसको सामान डिस्पैच करते हैं तो वो रिपोर्ट हमें क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी पड़ती है फॉर्म ITC 04 में, जिसकी आमतौर पर ड्यू डेट 25th ऑफ द कमिंग मंथ होती है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। तो इसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 25th अप्रैल थी, जिसको बढ़ाकर 31st मई कर दिया है, यानी कि 31st मई तक हम अपनी ITC 04 को फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि ऐसे सप्लायर जिन्हें TDS, TCS, ISD या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि GSTR5, GSTR6, GSTR7, GSTR8 फाइल करनी पड़ती है, ये आमतौर पर अगले महीने की 11th तक फाइल करी जाती है, तो इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 31st मई तक। और ये भी कहा गया कि ऐसा कोई भी कंप्लायंस जो कि फॉल कर रहा है 15th अप्रैल और 30th मई के बीच में, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 31st मई हो जाएगी। तो कौन से कंप्लायंसेस, यानी कि अगर कोई नोटिस इशू करना है, नोटिस का रिप्लाई करना है, कोई अपील फाइल करनी है, उन सब के लिए ये कहा गया है, हमें इनवॉइस कब तक बनाना है, टाइम ऑफ सप्लाई है, उन सब के लिए ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होती है, वो तो हमें जो एज इट इज़ है वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा कोई भी अपील वगैरह है तो उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये थी पूरी की पूरी 9 नोटिफिकेशंस, क्योंकि अब जैसे हमने बात करी फर्स्ट में लेट फी को एक्सटेंड करा गया तो वो CGST एक्ट की थी, ऐसे ही सेम नोटिफिकेशन IGST एक्ट के अंदर भी रिलीज करी गई, ऐसे ही सेम नोटिफिकेशन जो यूनियन टेरिटरीज के GST एक्ट है उसके अंदर भी रिलीज करी गई, इंटरेस्ट के लिए भी CGST, IGST और UGST के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज करी गई। तो कुल 9 नोटिफिकेशंस की ये समरी है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम ITC अवेल कर सकते हैं, GSTR1 को 26 मई तक फाइल कर दें, या IFF के थ्रू 28 मई तक हम अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर दें। ITC क्लेम करते वक्त मेक श्योर करें आप अपने सप्लायर को कहें कि वो GSTR2B टाइम पर कर दें, हालांकि अप्रैल में बिना 2B के भी हम फाइल कर सकते हैं, लेकिन मई मंथ में जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो अप्रैल और मई मंथ का दोनों का वो एटलीस्ट मई में तो आ ही जाना चाहिए, अदरवाइज हमें वो ITC डिस अलाउ हो जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी लग जाएगा। इन केस अगर आपकी GST से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप GST को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप
विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cwgs.in/learning। यहाँ पर हम अपना एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स रन कर रहे हैं, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। अगर आपकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स के साथ यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इनकम टैक्स और टेली अकाउंटिंग के ऊपर भी कोर्स लेके आने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।